हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। इसके आगे ओपन ऑफिस पर वीडियोस आएंगी। आज अभी की वीडियो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्या इसमें हम सीखेंगे, क्या इसमें जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा ड्रॉप डाउन हमें दिख रहा है। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आपको अभी ठीक तरीके से नजर आएगा। पहले आप देख लेते हैं यहाँ पर टेबल में क्या क्या चीजें हैं। कि टेबल के अंदर नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर प्राइस लिखी हुई है, यहाँ पर प्राइस लिखी हुई है, और यहाँ पर यूनिट है, और यहां पर हमें टोटल कैलकुलेट करना है, फिर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे तभी तो हम टोटल कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, क्योंकि 5 कीबोर्ड बेचा गया है, खरीदा गया है, जो भी है। यहां पर एंटर करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मेट बदलने के लिए इस पूरे हिस्से को सेलेक्ट करके और यहां पर हम इसे ला देंगे करेंसी फॉर्मेट में। तो यहां पर यह करेंसी फॉर्मेट में आ जाएगा, और अब हमें क्या करना है, यहां से पकड़ना है और ड्रैग कर देना है इसको, तो सबका आ जाएगा। आई बात समझ में? यहां पर एक ड्रॉपडाउन मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, ड्रॉपडाउन कैसे क्रिएट किया है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले दिखाते हैं टैक्स अमाउंट। तो यहां पर टैक्स अमाउंट के लिए इसको इज इक्वल टू लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे ये जो सेल है, और इसमें 3 को फिक्स रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 3 आगे चल करके ड्रैग करने पे 4 बन जाए, 5 बन जाए। ठीक है, यहाँ पे 0 आ चुका है देख सकते हैं, लेकिन अभी 0 आने से तो काम चलेगा नहीं। यहां से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 5% अगर सेलेक्ट किया तो ये टोटल 5% के हिसाब से आ गया, देख सकते हैं। और अगर यहां पर मैं 4% सेलेक्ट करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली 4% के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ड्रॉप डाउन है ये आप कैसे बना सकते हैं, ये बहुत इजी है। यहां पर रखिए कर्सर को, जहां भी बनाना वहां पर रख लीजिए। अब इसे कलर में दे देता हूं ताकि यहां पर आपको लगेगा कि यहीं पर ड्रॉप डाउन बन रही है। ठीक है, तो यहां पर रेड कलर प्रोवाइड कर दिया, और अब मैं क्या करूंगा, यहां से जाऊंगा डेटा टैब पर। ठीक है, और यहां से जाकर के डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा, परसेंटेज वाइज ये बनाएंगे हम, परसेंटेज वाइज। तो यहां पर आपको लिस्ट रखना है, ये लिस्ट रख लिया। अब यहां पर मैं लगा देता हूं 5% जो जीएसटी रेट इंडिया में चल रहा है। ठीक है, फिर यहां लगा दूंगा 10% लगा दिया, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर यहां लगा दूंगा 12%, तो ये 12% लगा दिया, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर यहां लगाऊंगा कितना 18%, तो यहां पे कर देता हूं 18%। ठीक है, तो ये कर दिया 18%, फिर यहां कॉमा लगाऊंगा और यहां पे कर दूंगा 21%, और फिर यहां कॉमा लगाऊंगा, फिर यहां कर दूंगा 28%। तो ये देख सकते हैं ये सारा स्लैब मैंने दे दिया है, और अब यहां पर ओके करते हैं। देख सकते हैं यहां पर जो कैलकुलेट किया इसको मैं हटा देता हूं, यहां से इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि यहां पर कैलकुलेट हो तो क्या करेंगे, फिर वापस से यही इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस बार टैक्स रेट हमारा यहां पर आया हुआ है। ठीक है, यहां पर जो टैक्स रेट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे एंटर करेंगे तो यहां पे तो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, तो डोंट वरी, यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको टैक्स स्लैब सेलेक्ट करना है। तो 5% यहां सेलेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं कि यहां 75 आ रहा है। अब इस टैक्स रेट को मैं थोड़ा सा यहां इंक्रीज करूंगा इसकी रेंज, तो यहां डेटा वैलिडेशन पे जाकर के इसको यस कर दीजिएगा और यहां से ओके कर दीजिएगा। तो अब आप देखेंगे कि हर जगह ये टैक्स रेट आ रहा है, तो इस पे 75 आ रहा है, देख सकते हैं। आप इसको ड्रैग करवा दूंगा तो सब पे जो है 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, लेकिन चूंकि प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ये फिक्स नहीं है, तो यहां पर F2 करके यहां पे फिक्स कर लेते हैं इसको, डॉलर लगा करके फिक्स होता है ये, कई वीडियोस में मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये फिक्स कर दिया, अब ये 5% के हिसाब से टैक्स लग गया, लेकिन आप चाहते हैं इस पे 6% के हिसाब से लगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर ड्रॉपडाउन में चूज कर लीजिए, यहां पर 10 कर दीजिए। ठीक है, यहां पर चाहते हैं कि ये 12% के हिसाब से लगे तो यहाँ 12 कर दीजिए, फिर यहां पर कुछ चेंज कर दीजिए, इसी तरीके से आप चेंज कर दीजिए 18%। तो भी आप देखेंगे कि यहां से अगर मैं ड्रैग करवाता हूं इसको, तो यहां पर कितना कितना परसेंट टैक्स अप्लाई हुआ है एक बार चेक करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये 5 को मैंने फिक्स किया है, देख सकते हैं 5 को मैंने फिक्स किया है। अगर ये फिक्सेशन में हटा देता हूं तो हमारा काम अब हो जाएगा। तो ये देखिए एंटर किया तो यहां पर 75 आ गया, देख सकते हैं। अब इसको मैं ड्रैग करवाता हूं, फिक्स नहीं है आप कुछ भी देखिएगा, तो यहां पर अब ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। देखिए यहां पर B5 है, फिर यहां पर देखिए यहां पर B6 है, यानी इस दूसरे वाले प्रोडक्ट पर 10% का जीएसटी रेट सेट हुआ है। ठीक है, और तीसरे वाले प्रोडक्ट पर कितने परसेंट का हुआ है, तो यहां B7 है, तो ये देखिए ये B7 है, देख सकते हैं। तो B7 का जो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे कितना परसेंट B7 में दिया गया, 12%, और यहां पे ये 18% है, तो 18% कहां दिया गया है, 18% को देख लीजिए थोड़ा, ये देखिए ये 18% है, तो 18% इस पे अप्लाई हुआ है। ओके,